तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं टोहाना नगर पालिका में, जहां पर पंचकुला से टीम आई हुई है। सरकार ने एक मुहिम चलाई है, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से बैन करना है, उसी को लेकर आज पूरी टीम पंचकुला से नगर पालिका टोहाना पहुंची है। टोहाना के अंदर जितने भी दुकानदार हैं, होटल संचालक हैं, जितने रेस्टोरेंट संचालक हैं, सभी के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो पंचकुला से टीम आई है, सर हमारे दर्शकों को एक बार आपका परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं और समस्त जो हमारे दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा 30 जून को बैन कर दिया गया था। तो 1 जुलाई से जो नई एक नोटिफिकेशन आई थी भारत सरकार की कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया, संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, जिसमें 75 माइक्रोन्स के पॉलोथिन्स, 75 माइक्रोन से ऊपर के जो थिकनेस के पॉलोथिन है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो सर्टिफाइड होने चाहिए। और उसके अलावा 19 तरह की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आइटम्स हैं, कटलरी जिसमें डिस्पोजेबल ग्लास है, प्लास्टिक नाइफ है और प्लास्टिक की चम्मच है, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, उन सबको रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो नोटिफिकेशन है जो भारत सरकार की आई है बैन करने में, उसमें अभी तो 1 जनवरी 2000 जो हमारी 1 जनवरी 2023 से पहले तो हम 75 माइक्रोन्स को कंट्रोल करेंगे। 75 माइक्रोन्स से जो नीचे प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, पोलोथीन यूज़ हो रहा है कैरी करने के लिए चीज़ों को, उसको कंट्रोल में करेंगे, उसको संपूर्णतः बंद करवाएंगे मार्केट से। फिर 1 जनवरी 2023 से 120, ये बढ़कर 75 माइक्रोन से बढ़कर 120 माइक्रोन हो जाएगा, तो ये 75 माइक्रोन्स का भी पैरामीटर हट जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का, आपने बताया जो आप बैन करवा रहे हैं, क्या किसी प्रकार का कोई चलान या इस प्रकार का कोई जुर्माना की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है सरकार की तरफ से? जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करता है, जो वॉयलेटर है या 75 माइक्रोन्स, जो भी दुकानदार होटल संचालक या रेस्टोरेंट संचालक है या स्टॉकिस्ट है या होलसेलर है, वो अगर 75 माइक्रोन से नीचे जो प्लास्टिक है उसके पास उसकी पोजेशन या प्राप्ति होती है, तो 500 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है, जो कि उसकी मात्रा पे निर्धारित करता है। जैसे 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक 500 रुपये है, फिर 200 ग्राम से ऊपर वो 1,000 रुपये हो जाएगा, देन ऊपर बढ़ता जाएगा वो। सर क्या ऐसा भी कोई नियम है कि जैसे कि क्या सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारी ही चलान काट सकते हैं या आम आदमी के लिए भी ऐसा है, क्योंकि आज सामाजिक व्यक्ति भी बहुत हैं जो इसके अंदर ऐसा सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है खुद के लिए, क्या ऐसी कोई है सिस्टम? जी हाँ, इसमें जो चलान काट सकता है, जो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, वो तो विभागीय कार्यवाही है, वो विभाग ही उसमें, विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसा कि नगर परिषद से हैं, नगर निगम से हैं, नगर पालिका से हैं, उनको मतलब जो अथॉरिटी है वो दी गई है। और इसके अलावा जो कंप्लेंट है वो कोई नागरिक भी कर सकता है, वो मैनुअल भी कर सकता है, मैनुअल मतलब कि डायरेक्ट आकर के बोल सकता है कर्मचारी जो हमारे अधिकारी हैं उनको कि सिंगल यूज़ का प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है। या इसके अलावा एक इसको इजी करने के लिए, कंप्लेन सिस्टम को इजी करने के लिए ऑनलाइन ऐप जो प्लास्टिक प्रतिबंध के नाम से है, उसको बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और वो नागरिक अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा कहीं पर भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है और या पोलोथीन 75 माइक्रोन से नीचे पोलोथीन का यूज़ हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सर आपने बताया कि अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए हैं, दुकानदारों को, रेस्टोरेंट संचालकों को समझाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक यही सामने आता है कि सरकार कंपनियों को ही क्यों ना बंद कर दे, ताकि इनके पास ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है पहुँची ना। सबसे पहले तो मैं आप महोदय से ही अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपकी नॉलेज में भी कोई कंपनी संचालित है जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बना रही है या 75 माइक्रोन से नीचे जो प्लास्टिक का उत्पाद कर रही है, तो
तो आप हमें बताएं तो उस पर विभागीय कार्रवाई करवाएंगे, उसको बंद करवाएंगे। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से, टोहाणा की जनता से? टोहाणा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो भी आप अपने विवाह समारोह में या जागरण समारोह में जो सिंगल यूज ग्लास है, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, चम्मच हैं, इन सब का यूज़ जो है उपयोग ना करें, क्योंकि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारी सफाई व्यवस्था के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए। ये जो प्लास्टिक है वो हमारे को बरसाती सीज़न में हमारी निकासी जो नालियां हैं उन सबको भी बंद करता है। तो मैं चाहता हूँ आपके जो चैनल से के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है उपयोग है वो बंद करें, और जो 75 जो पोलोथीन है उसका कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। अपने घर से जो भी अगर कोई सामान आप लेना जा रहे हैं तो घर से कोई थैला लेकर जाएं, बैग का जो कपड़े का थैला है वो लेकर के जाएं। तो सर आपने बताया कि आम नागरिक भी कंप्लेंट कर सकता है, क्या इसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आई है आपके पास? जी हाँ, हमारे पास फतेहाबाद नगर परिषद में 3 ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो कि एक नागरिक ने के द्वारा दर्ज करवाई गई थी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, वो रिजोल्व कर दी गई हैं, और उसमें हमारे जो कैटलरीज हैं उनका उपयोग दर्शाया गया था। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि सभी कर्मचारी अपने दाएं बाएं अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है तो कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो हमारे साथ जो नगर परिषद के SI हैं अजैब सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप 20 में पूर्ण रूप से टोहाणा के अंदर प्रयासरत हैं और पीछे आपको सम्मानित भी किया गया है, तो टोहाणा की जनता के लिए क्या आप संदेश लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, और हमारे CTL साहब हमारे साथ चंडीगढ़ से पहुँचे हुए हैं, रोहतास जी पुनिया जी। सबसे पहले मेरी अपील है दुकानदारों से कि वो अपने दुकान है उसमें डस्टबिन दूर रखें। जब हम फील्ड में जाते हैं अक्सर कई बार देखा जाता है कि दुकानदार कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, अगर उनके पास डस्टबिन हो तो वो ऐसी अवस्था नहीं होती। वो आप किसी हमारी गाड़ी में डालें जो नगर परिषद की गाड़ी जा रही है, या कोई पॉइंट नगर परिषद वहाँ पर डालें, वैसे खिंडा देते हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो डस्टबिन दूर रखें। दूसरे मेरी उनसे अपील है कोई भी दुकानदार पॉलीथीन का यूज ना करें, प्लास्टिक का जो उसका प्लास्टिक बिल्कुल बंद है, और कपड़े का थैला यूज करें, और जो भी ग्राहक आता है उसको भी बोलें कि अपने घर से थैला लेकर आए। थैंक यू सर इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। तो हम भी अपील करेंगे कि अगर आप इनको कोऑपरेट करेंगे तो इनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि सफाई रखना हमारा फर्ज है। अगर आप इनका सहयोग करेंगे तब ही ये आप तक पहुंच पाएंगे। तो बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ।